जहां साल 2021-22 में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स में लिमिटेड SUVs ही होती थी, वहीं साल 2023 में आपने देखा कि 13 से 14 SUVs तक आ जा रही हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में। इसी के साथ ही ब्रांड भी अपनी सफा मीटर SUVs, मिड साइज SUVs को अपडेट करने और लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस रहे। इसी के साथ ही साल 2024 में लॉन्च होने वाली SUVs के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि कुछ हैचबैक, सेडान, MUVs भी लॉन्च की जाएंगी, उनका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दें। जिस तरीके से साल 2023 में आपने देखा वेन्यू फेसलिफ्ट, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, इसके अलावा किया सेल्टॉस और होंडा की एक मिड साइज SUV के अलावा टोयोटा रूमियन को लॉन्च किया गया, लेकिन उनमें से क्रेटा फेसलिफ्ट को साल 2023 में लॉन्च नहीं किया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 में आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में। 2023 में लॉन्च किया जाना था, लॉन्च नहीं हो पाई 2023 में। डिमांड इसके अभी वाले मॉडल के लिए भी इतनी ही बनी हुई है जितनी इससे पहले वाले के लिए बनी रहती थी, और आने वाले में तो आपको पता ही है काफ़ी नेक्स्ट लेवल चेंजेस होने वाले हैं। नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको, ये जो नया मॉडल आएगा यहाँ पर इसका जो लुक था, अब तक ये बताया जा रहा था, रूमर्स आ रहे थे कि जो रशिया में या ग्लोबल मार्केट में अभी क्रेटा बिक रही है जिसका फ्रंट फेशिया ह्यूंडई की टूसॉन से इंस्पायर्ड है, वो वाला इंडिया में आएगा। लेकिन जो रिसेंटली टेस्टिंग इमेजेस सामने आई हैं क्रेटा की, उसमें फ्रंट फेशिया काफ़ी चेंज है। अभी ऑटोकार इंडिया ने एक इमेज शेयर की है जो कि नए वाले मॉडल से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, और यहाँ पर अगर आप इसका हेडलाइट सेटअप अगर ध्यान से देखें तो ये काफ़ी हद तक नई वाली वेन्यू और ग्लोबल मार्केट में आने वाली पहली सेट से इसकी DRL इंस्पायर्ड लग रही हैं, और जहाँ तक उम्मीद है यही वाला वर्जन आने वाला है इंडिया में। किया सेल्टॉस से इंस्पायर्ड इंटीरियर आपको इसमें मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐड किए जाएंगे जिनमें से एक है मेन फीचर 360 डिग्री कैमरा का, और दूसरा है ADAS लेवल 2 जो कि वरना में आपको देखने को मिल रहा है वो इसमें देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूंडई क्रेटा एक ऐसी SUV है मार्केट में जिसको आप आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। इसको फर्स्ट क्वार्टर में ही लॉन्च किया जाएगा, फरवरी मार्च के आसपास 2024 में। 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, नॉर्मल पेट्रोल इंजन और एक 1.5 डीजल इंजन भी यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में इसका एक एनलाइन वर्जन भी आता है, उम्मीद की जा रही है कि इस साल एनलाइन वर्जन को भी लॉन्च कर दिया जाए। वहीं दूसरा लॉन्च है अल्काजार फेसलिफ्ट का, ओवरऑल डिजाइनिंग इंटीरियर एक्सटीरियर चेंज रहने वाले हैं, नए वाले अलॉय व्हील्स इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ADAS और 360 डिग्री कैमरा इसमें भी देखने को मिल जाएगा, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ह्यूंडई क्रेटा के आसपास इसको भी अपडेट करके लॉन्च कर दिया जाएगा। तीसरी SUV है किया सोनेट का फेसलिफ्ट वर्जन, इसको भी फर्स्ट क्वार्टर में ही लॉन्च किया जाना है। टेस्टिंग के दौरान कई बार इसकी पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं, और रिसेंटली ग्लोबल मार्केट से इसकी लीक पिक्चर सामने आ गई थी जहां पर ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का इसका लग रहा है। देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में आने वाली EV9 और EV5 से काफ़ी हद तक इसका जो डिज़ाइन है वो मैच हो रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो रियर साइड जो है वो किया कारेंस या फिर नई वाली किया सेल्टॉस से ही इंस्पायर्ड लग रही है। साथ ही साथ जो नई वाली सीरीज आ रही है ग्लोबल मार्केट में वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली किया कार्निवल की स्पाई पिक्चर सामने आई थी जो कि इंडिया में आएगी बाद में, तो उस जैसी यहाँ पर आपको फ्रंट फेशिया मिलेगा, यानी कि जो डिज़ाइन प्रोफाइल है वो EV9 वाली सीरीज से मिलता जुलता मिलने वाला है, और इंटीरियर भी काफ़ी चेंज मिल जाएगा, नए अलॉय व्हील्स, ADAS जैसा वेन्यू में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्राइस रहेगी 8 लाख रुपए से शुरू होकर के 15 लाख रुपए तक। इसके बाद है नई महिंद्रा थार 5-डोर वर्जन, इसकी भी टेस्टिंग चल रही है, इसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि एक्सटीरियर में मेजर चेंजेस होंगे, नए अलॉय व्हील्स, कम्प्लीटली चेंज इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, और ये थार 4-डोर से काफ़ी अलग है। यहाँ पर ये करंटली बिक रही थार से ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल SUV रहने वाली है। जाहिर सी बात है इस SUV में अब ज़्यादा व्हील बेस मिल जाएगा, इंटीरियर में आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पर इसमें 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलने वाला है। 5-डोर वर्जन की जो प्राइस रहेगी वो लगभग 17 लाख रुपए के आसपास शुरू होकर के 20 लाख रुपए तक जा सकती है। इसके बाद अगली है XUV300 फेसली वर्जन, एक 100 मीटर SUV है, फर्स्ट क्वार्टर में इसको भी लॉन्च किया जाएगा महिंद्रा की तरफ से। यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी चेंज मिलेंगे इसके फ्रंट फेशिया और रियर प्रोफाइल से। ग्लोबली जो नई वाली सीरीज चल रही है महिंद्रा की, नया डिज़ाइन प्रोफाइल है, उससे इंस्पायर्ड प्रोफाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टेस्टिंग की इमेज सामने आई थी जहाँ पर यह साफ हो गया था कि फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी चेंज है, XUV700 वाला ही डिज़ाइन प्रोफाइल यूज़ किया गया है, लेकिन थोड़ा सा अप मार्केट लग रहा है। साथ ही साथ रियर प्रोफाइल भी चेंज हो गया है, और इंटीरियर में भी आपको नए चेंजेस देखने को मिलेंगे जिनमें से एक है बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री, इसके अलावा एक नया 6-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन अब इसमें आपको मिलेगा जो कि 6-स्पीड AMT को रिप्लेस करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निसान X-Trail के बारे में। मिड 2024 में निसान की इस SUV को लॉन्च किया जाएगा,
और ये 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगी। पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हैबिट वर्जन देखने को मिलेगा, इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। साथ ही साथ मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आने वाली है। 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ADAS 360 डिग्री कैमरा और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। लगभग 25 लाख रुपए के बजट में आएगी ये SUV। इसके अलावा निसान एक और 7 सीटर पर काम कर रहा है अफोर्डेबल बजट में, जो मैग्नाइट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन रहने वाला है। टाटा कर्व SUV का इंतजार तो इस पूरे साल किया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि टाटा हैरियर सफारी नेक्सॉन के बाद कर्व को लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया और जहां तक उम्मीद है मिड 2024 में कर्व आएगी। हालांकि अनवीर उससे पहले ही कर देंगे और जहां तक सबसे पहले कर्व की EV वर्जन आएगा। साथ ही साथ इसकी जो रेंज रहेगी वो 400 से 500 किलोमीटर रहने वाली है। जिस तरीके से नेक्सॉन और नेक्सॉन EV आते हैं मार्केट में, उसी तरीके से कर्व और कर्व EV आएंगे। यहाँ पर जो टाटा की कर्व है ये नेक्सॉन से ऊपर लिस्ट की जाएगी। आप मान करके चल सकते हो कि 14 से 20 लाख रुपए के बजट में आइस वर्जन आएगा इसका, और इलेक्ट्रिक वाला वर्जन लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर ही लॉन्च किया जाएगा, वही 18 से 20 लाख रुपए के आसपास। ज्यादा वेरिएंट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे, सिंप्लीफाइड रखा जाएगा इलेक्ट्रिक वर्जन को। तो इंडियन मार्केट के लिए एक नया प्रोडक्ट जो कि 20 लाख रुपए के नीचे आपको देखने को मिलेगा, एक एंट्री होने जाएगी टाटा की तरफ से 14 से 20 लाख रुपए के बजट में आइस वेरिएंट और लगभग 20 से 25 लाख रुपए के बजट में इलेक्ट्रिक वर्जन आपको देखने को मिलेगा मिड 2024 में। इसके बाद टोयोटा टेसर। टोयोटा ने टेसर नाम तो पहले ही रजिस्टर कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई SUV लॉन्च नहीं की गई। लेकिन अब आपको नेक्स्ट ईयर यहाँ पर टोयोटा टेसर मिलेगी एक 100 मीटर SUV के रूप में। यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन जो है आप मान सकते हो कि फ्रॉन्क्स का रिडिजाइन वर्जन टेसर के रूप में टोयोटा ब्रांड की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से अभी रोमियो और ग्लांजा के साथ आप देख ही रहे हो मार्केट में बिक रही हैं, उसी तरीके से ये फ्रॉन्क्स पर बेस्ड एक SUV रहने वाली है। इसके अलावा फ्रॉन्क्स जैसा ही सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और 8 से 13.5 लाख रुपए के आसपास इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद टोयोटा की फॉर्चूनर। फॉर्चूनर का भी अपडेटेड वर्जन 2024 में ही आएगा मिड में। यहाँ पर टोयोटा फॉर्चूनर में काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे। ओवरऑल डिज़ाइन चेंज किया जाना है, वैसे ही काफ़ी मस्कुलर SUV है और यहाँ पर थोड़ा और मस्कुलर लुक दिया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कई सारे रेंडर्स निकल करके सामने आ रहे हैं। कई जगह से तो ये अपडेट आई थी कि जिसका फ्रंट फेशिया है वो टकोमा पिकअप ट्रक जैसा ही रहेगा, जो कि फॉर्चूनर का मस्कुलर पिकअप ट्रक है, ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ एक और अपडेट ये निकल करके सामने आई कि टोयोटा फॉर्चूनर के साथ अब आपको एक हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ये 40 से 50 लाख रुपए के बजट में SUV आ रही है, तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे। अपने प्राइस के हिसाब से इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, 2500 से 3000 यूनिट हर महीने ही इसके बड़े आराम से बिक जाते हैं। इसके अलावा टाटा की सफारी का पेट्रोल वर्जन, टाटा की हैरियर का पेट्रोल वर्जन आएगा। नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 1.5 लीटर का, जो कि सफारी और हैरियर के साथ आपको अप्रैल 2024 से लेकर के जून के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आपको नया DCT ट्रांसमिशन भी इसके साथ देखने को मिलेगा। हालांकि डीजल वर्जन भी कंटिन्यू बिकता रहेगा और जो सारे फीचर्स अभी हैरियर और सफारी में आपको मिल रहे हैं वो सभी मिलते रहेंगे। जहां तक बात है प्राइजेस की, तो पेट्रोल वर्जन की प्राइजेस करंटली बिक रहे हैं डीजल वर्जन से कुछ कम रहने की उम्मीद है। अगले लॉन्च की बात करें तो टाटा हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन, ये टर्बोचार्ज पेट्रोल वर्जन से पहले ही लॉन्च कर दिया जाएगा। मान करके चल सकते हो कि फर्स्ट क्वार्टर में इसको भी लॉन्च किए जाने की तैयारी है। बजट की बात करें तो 25 से 30 लाख रुपए का बजट, उसमें ही ये गाड़ी आने वाली है। काफ़ी सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें आपको इसके साथ देखने को मिल जाएंगी। रोड प्रेजेंस तो टाटा की गाड़ियों की ऑलरेडी शानदार है। अभी 2023 ऑटो एक्सपो में इसका ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी वर्जन अनवील कर दिया गया था और यहाँ पर इसमें लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज देने वाला है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट ईयर बड़ा लॉन्च रहेगा टाटा मोटर्स की तरफ से। इसके बाद टाटा की पंच EV, इसको भी साल 2024 के मिड तक लॉन्च किया जाएगा। टेस्टिंग तो काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी उम्मीद थी कि 2023 में ही आएगी, लेकिन बैक टू बैक टाटा के कई सारे लॉन्चेस होने हैं, तो हो सकता है कि एक आध महीना आगे पीछे हो जाए, लेकिन टाटा पंच EV भी 2024 में ही आने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये इसके जनरेशन 2 सिग्मा आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि अल्फा प्लेटफॉर्म का इलेक्ट्रिक फ्रेंडली वर्जन है। यहाँ पर इसमें आपको 30 किलोवाट आर का बैटरी पैक मिल जाएगा, जो अराउंड 300 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगा और इसकी जो प्राइस रहेगी वो 12 लाख रुपए के नीचे नीचे मिल जाएगी। इसके बाद होंडा की एक 100 मीटर SUV आएगी, जो कि साल 2023 में ही लॉन्च की जाएगी और होंडा का एक प्लान तैयार है जिसमें इसको 5 SUVs लॉन्च करनी है 2030 तक इंडिया में। इसका पहला लॉन्च सक्सेसफुल रहा है एलिवेट के साथ, काफ़ी तगड़ी बुकिंग मिली है।
इसी के साथ ही जो न्यूज निकल करके सामने आई है कि WRV को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि WRV का कमबैक होने जा रहा है इंडिया। रिसेंटली WRV को बंद कर दिया था, दो बड़ी वजह थी, एक तो लो सेल्स और दूसरा उसका ओल्ड डिजाइन, जिसकी वजह से जो सेल्स थी वो ऑलरेडी नहीं हो रही थी, इसीलिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो अब होंडा को अभी और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ में अपनी सफामीटर SUV लानी होगी, जो इन सभी ऑलरेडी टॉप सेलर से कम्पीट कर सके। यहाँ पर आपको दो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ में नॉर्मल पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इसके बाद ह्यूंडे की एक्स्टर EV, टाटा महिंद्रा और ह्यूंडे बैक टू बैक लॉन्चेस करेंगे 2024 में, जहां पर एक्स्टर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। इसमें भी आपको 25-30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, अराउंड 300-350 किलोमीटर की रेंज के साथ में। एक्स्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में और सेल्स बैक टू बैक अच्छी हो रही है जब से लॉन्च हुई है। साथ ही साथ डिजाइन वाइज भी देखा जाए तो माइक्रो SUV सेगमेंट में काफी दमदार और बोल्ड लुक के साथ ये आई है। इसके अलावा अपने साल 2024 के एंड में लॉन्च की जाएगी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का 7-सीटर वर्जन। इसी के साथ ही इसमें आपको काफी अच्छा फीचर पैक ऑफर किया जाता है और काफी सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर पैटेंट वाइज फीचर डिवाइड किए गए हैं। अब सिंपली एक और नई SUV यहाँ पर ऐड होने जा रही है 7-सीटर वर्जन, जहाँ पर आपको सेम फीचर्स के साथ में 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगी। जिस तरीके से आपको क्रेटा और अल्काज़ार देखने को मिलते हैं, ऐसे ही ग्रैंड विटारा और ग्रैंड विटारा का 7-सीटर वर्जन देखने को मिल जाएगा। प्राइस लगभग 15 लाख रुपए से शुरू होकर के 20 लाख रुपए तक जाने वाली है और साथ ही उस टाइम के हिसाब से जो भी मॉडर्न अपडेट्स रहेंगे वो उसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हैचबैक, सेडान, MUV, MPV वगैरह भी लॉन्च की जानी है, तो उनकी भी लिस्ट आ गई है। कौन सी है, कब लॉन्च होंगी, क्या स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि कई सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि स्विफ्ट के बारे में आ गई थी जानकारी, अमेज के बारे में आ गई थी, नई कार्निवल के बारे में आ गई थी, वो आपने कवर नहीं किया इस वीडियो में।